हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या पढ़ा रहे थे? कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ा रहे थे अरिहंत प्रकाशन वाली किताब से। प्रश्नावली कौन सा चल, अध्याय नंबर 1 चल रहा था। विविध प्रश्नावली चल रही थी। इसके टोटल 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में कितने से उसके आगे चल रहा है, 21 से 30 तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा हाँ, एक बात ये है, एक कमेंट आया था पिछली वाली वीडियो में कि सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, ये जो हाई स्कूल वाला पढ़ा रहे हैं। मैं हर बार बताता हूँ, अरिहंत की किताब से पढ़ाता हूँ। लिख कर भी रखा है टाइटल में भी, वीडियो के थंबनेल में भी, अरिहंत से पढ़ा रहे हैं। फिर भी पूछते रहते हो किससे पढ़ा रहे हो, नहीं देख पाते हैं। कोई बात नहीं, हाई स्कूल के बच्चे कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, नादान होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी नादानी उनकी ये होती है कि उनको लगता है कि वो समझदार है। बेवकूफ़ी करते रहते लेकिन कहते कि अपन जीनियस। कोई बात नहीं, हम आपके भ्रम को नहीं तोड़ेंगे। प्रश्न संख्या 21 पे आएंगे। प्रश्न संख्या 21 में कहा जाता है, जब छोटी विषम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यार ये क्या होती है, सबसे छोटी, अरे छोटी छोटा बन जा भैया, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भी है और भाज्य भी है, वो संख्या क्या होगी? चलो 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 कैलकुलेट करके बताओ। सबसे छोटी, अरे छोटो नहीं यार, छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? चलो चलो काउंटिंग करते हैं, उसके बाद बताते हैं। सबसे पहले तो एक आता है, क्या एक, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो, दो तो विषम है ही नहीं, हमको विषम देखना है, विषम देखना है, दो विषम है नहीं। तीन, तीन क्या है, विषम है, क्या भाज्य है, कट जाती है किसी से, नहीं वो अभाज्य है। चार, वो तो सम है। पाँच, वो अभाज्य है। छः, ये तो सम है। सात, अभाज्य है। आठ, सम है। नौ, हाँ नौ आती है जो विषम भी है और तीन से कट भी जाती है। नौ ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है, वैसी सबसे छोटी संख्या नौ है। उससे पहले हमें एक एक भी संख्या नहीं मिल पाई। अगला, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अच्छा ये हो चुका है। दूसरा वाला है सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम अभाज्य, अभाज्य संख्या, ये हमने लिख लिया। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यही तो लिखना है ना, अभाज्य संख्या के मासा तथा लासा ज्ञात करना है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी एक जो पकड़ेंगे, एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, उसमें कंसीडर नहीं करना है। दो, दो क्या है, सम है। तीस, तीन जो है वो अभाज्य है और विषम भी है, तो तीन हमको लिखना होगा। क्या लिखना होगा भैया, यहाँ पर तीन लिखना होगा, तीन, ये इतनी मेहनत से मिल गई। अब क्या करना है, इनका मासा और लासा याद करना है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे लिखेंगे तीन और नौ का जो हमारा मासा है उसको लिखने के लिए पहले हम तीन लिख देते हैं। तीन बराबर होगा तीन, और नौ बराबर होगा तीन गुणते तीन, यानी तीन की घाते दो, और तीन और हमारे नौ का जो मासा होगा वो क्या होगा। दो स्थितियों से आप देख सकते हो, पहली स्थिति ये कि दोनों में तीन तीन मिल रहे हैं, दूसरी स्थिति ये कि तीन की घाते दो दिखाई दे रही है, तीन की घाते एक दिखाई दे रहा है। इन दोनों में छोटी घात क्या है, एक वाली है, यानी तीन की घाते एक लेनी है, यानी अल्टीमेटली हमको तीन ही लेनी है। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, और कुछ कहना भी नहीं था।
और तीन और नौ का हम जब लासा निकालना चाहेंगे तो वो क्या लेंगे, तीन की घाते एक है, तीन की घाते दो है, हमको बड़ी घात लेनी है, हमको बड़ी घात लेनी है। या फिर कह देंगे तीन तीन मिल रहा है, एक बार हमने लिखा है, और जो तीन नहीं मिल रहा है वो भी हमने एक बार लिखा है। तो तीन तिरिक का नौ, तीन की घाते दो बराबर तीन तिरिक का नौ, आखिरकार हमको लासा मिल चुका है, वो है नौ। क्या आपको बातें समझ में आ गई? ख़त्म हो गई बात भाई, इसमें और कुछ है नहीं, हो गया ख़त्म। अच्छा, प्रश्न में भी और बाकी है, चीज़ें हो गई वो। यदि एक विषम संख्या पी पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या वो पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो क्या वो क्यू क्यूब को भी विभाजित करेगी? समझिए, इसमें कहा जा रहा है कि एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या यानी कि विषम संख्या पी है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है। एक दूसरा प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है, पी जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं अर्थात जो पी है वो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। बात समझेंगे कि अगर ये इसको भाग दे सकती है तो P का पहाड़ा पढ़ेंगे, कुछ टाइम्स जाएगा, उसका गुणा करने के बाद ये मिल जाएगा, यानी कि P इसका Q स्क्वायर का गुणनखंड है। अर्थात हम यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर ये भी कह सकते हैं कि ये पी एन के बराबर है, N लिख सकते हैं या फिर M लिख सकते हैं। M कहाँ है, M क्या है, N एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ही लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या है या फिर पूर्णांक है, ऐसा ले लेते हैं, पूर्णांक होना चाहिए बस, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब q स्क्वायर p और q का p और m का गुणा करने के बाद मिलता है। अब भैया देखो, प्रश्न में कहा गया था क्या p q क्यूब को क्यूब को काट सकता है, विभाजित कर सकता है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में क्यू से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। इधर क्यों से गुणा कर लेते हैं, क्यू क्यूब हो जाएगा, इधर गुणा कर लेते हैं पी एम और क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो क्या हम पी को अलग से लिख सकते हैं, यानी पी गुणते हम एम गुणते क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्यूब के बराबर, अब देखेंगे पी और इसका गुणनफल के रूप में ये दिखाई दे रहा है, अर्थात इसका मतलब यही है, अतः पी क्यू क्यूब को विभाजित कर सकता है या फिर करेगा। बहुत लफड़ा हो गया यार, इसको मैंने ऐसे क्यों समझाया? ठीक है, मैं थोड़ा सा और बातें समझाना चाहूँगा। और बातें क्या, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जैसे दो किसी के वर्ग को काट सकता है, किसी का वर्ग मतलब हम चार का वर्ग 16 ले लेते हैं, चार का वर्ग हम 16 ले लेते हैं, क्या ये इसको काट सकता है, दो 16 को काट सकता है? आप कहोगे हाँ काट सकता है, और आपके मन में ये भी विचार आएगा क्या 9 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर को आप यहाँ पे क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हो, 9×9=81 होता है, क्यों यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं ले रहे हो? तो बात आपको बता दें कि प्रश्न में कहा गया है कि जो पी है क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, ये पहले कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, उसके बाद अगली शर्त हम वहाँ पर प्रयोग कर पाएंगे। तो जब अगर आप 9 का वर्ग 81 लेते हैं तो 2 तो 81 को काट नहीं पाता है, तो ये वाली शर्त आपकी बनेगी कहाँ, ये वाली शर्त जो दी गई है शुरू वाली बनेगी ही कहाँ, जब शुरू वाली नहीं बनेगी तो बाद वाली बनने की संभावना ही नहीं है, उसको हमको चेक ही नहीं करना है। तो यही वाली कंडीशन लेने हैं कि दो किसी के वर्ग को काट सकता है और वो कटना चाहिए पहले, उसके बाद हमको चेक करना है कि चार की घाते तीन, तो चार चौके 16 चौके 64 होता है, क्या वो दो से कटेगा, क्या दो से 64 कटेगा? जाहिर सी बात है कटेगा। तो क्या ये हर जगह काम करेगा? बिल्कुल, जो भी ऊपरी वाले शर्त पूरे करते हैं वो नीचे वाली शर्त पूरा करेंगे ही, 100% करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे तो ये तो लिखने वाली भाषा हो गई है, जो आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है, समझाने के लिए लिखना होता है, दिखाने के लिए लिखना होता है, एक्चुअल मीनिंग तो ये है जो हमने इधर समझाया है।
ये आपको समझ में आ गई होगी तो कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में तो आते नहीं हैं, लेकिन वो बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, उनकी वैरायटी पूछी जा सकती है कि आपको कहीं समझ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इन सारी चीज़ों का मतलब, ये चेक करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। खैर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबा मैंने बताया, लेकिन जब बताएंगे तो गहराई से ही बताएंगे, नहीं तो बताने का फ़ायदा क्या है। और अगर ऐसा नहीं बताएंगे तो आप देख ही क्यों रहे हो भैया, अगर आपको हल्के में समझ में आ जाता है चीज़ों को, ठीक है, आप खुद ब खुद कर पाते हो तो यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसा मुझे लगता है। खैर, मैंने बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है और आगे चलेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते हो, कर दिया करो। और एक चीज छोटी सी बात बता दें, जिन भी मेरे प्यारे दोस्तों को हाई स्कूल का ये वाला वीडियो नहीं देखना है वो प्लीज़ ना देखा करें, वो कुछ दूर चला के छोड़ देते हैं, व्यूज़ बढ़ा के छोड़ देते हैं, इतना प्यार किसी काम का नहीं है, सच्ची में किसी काम का नहीं है। ये मेरे वीडियो को डेड करता है, चैनल को डेड करता है, मतलब ये इतना बेकार मैंने वीडियो बनाया है कि लोग जो देखने वाले हैं वो आते तो हैं लपक के, लेकिन फिर छोड़ के चले जाते हैं एक ही मिनट में। तो व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश मत करें प्लीज़, आपको जो मैं दे रहा हूँ आप वो लेने की कोशिश करें। कृपया ये प्यार ना दर्शाएं कि जिस प्यार से मुझे पेचिस पड़ जाए क्योंकि बहुत नुकसान देता है, चैनल के लिए बहुत ख़राब है। तो प्लीज़ अपने ऊपर एहसान करें, मेरे ऊपर एहसान करें और व्यूज़ बढ़ाने का एहसान ना करें। जिन भी दोस्तों को लगता है कि वो व्यूज़ बढ़ा करके मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हैं, प्लीज़ ना करें। क्या कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, यही सच्चाई है, मेरे चैनल को बर्बाद कर देती है। अभी तक बहुत सारे व्यूज़ आए हैं लेकिन यही चलते शायद व्यूज़ डाउन रहते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा 22 नंबर क्वेश्चन कैसा किया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक परिमेय संख्या अपने दशमलव प्रसार में ऐसी है, तो भैया 3, 2, 7.7081 है, एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखा गया है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको लिखा गया है। और आप क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, जब यह संख्या पी बड़े क्यू के रूप में व्यक्त की जाए, कारण बताइए। तो कारण क्या बताना है, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम इस प्रश्न को हम लिख कैसे सकते हैं, वही हम ट्राई करेंगे। 3, 2, 7, 7, 0, 8, 1 लिख लेंगे, बट्टे लगा देंगे, एक लगा देंगे, दशमलव के बाद कट ही जीरो है भाई, कट गिनती है, चाटू है तो चाटू जीरो लगा देंगे, ये चाटू जीरो लग गया। और कुछ होगा इसमें, कुछ कटने उठने तक नाम ले नहीं रहा है, ऊपर वाली गिनती 2 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए, दशमलव कट भी नहीं करेगी, छोड़ो सोचने की ज़रूरत नहीं है, कट भी नहीं करेगी, हो गया। तो ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त। अब यहाँ पे क्यों का गुणनखंड करने वाले हैं, गुणनखंड करने वाले हैं, देखो भाई क्या होता है क्यों का गुणनखंड, पहले तो हम लिख लेते हैं 10,000 लिख लेते हैं, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये 10 वाले वैरायटी वाले चीज़ों का इतने बार गुणनखंड किया है कि हम यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 0 है ना, तो 2 की घाते 4 लगाएंगे, गुणते 5 की घाते 4 लगाएंगे, बस यही गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से काट लेते हो, 2 5 10, 3 2 0, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 0, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 4 2 मिल गया, इसके बाद नहीं मिलने वाला, अब 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 से काटेंगे, 1 मिल गया ना, तो ये मिल गया है। और
हमको लगता है कि पहले विस्तार करके लिख देना चाहिए था, बड़ा सा लिख देना चाहिए था, अर्थात दो गुड़ते दो गुड़ते दो गुड़ते दो गुड़ते पाँच गुड़ते पाँच गुड़ते पाँच गुड़ते पाँच लिख देना चाहिए था, उसके बाद ही लिखना चाहिए था। तो क्या कह सकते हो, बस इतना कह सकते हो और कुछ नहीं। तो अतः क्यों का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये दो की घाते m गुणते पाँच की घाते n के रूप में है, बस और क्या कहना चाहेंगे इसमें। मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इसमें और कुछ कह सकते हो। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कारण बताइए, कारण क्या बताएं इसमें, कारण तो क्या बताना ही था, कुछ नहीं बताना था, हो चुका, बस ख़त्म रखो यार, आगे हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिखाइए कि क्वेश्चन है, एक मिनट, इरेजर कहाँ गया, ओह सॉरी इसे इरेजर नहीं कहते, इसे डस्टर कहते हैं, इंग्लिश में गलत हो जाएगा। तो चलो, कौन सा क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है, दिखाइए कि संख्या n स्क्वायर माइनस वन 8 से विभाज्य है, विभाज्य है ऐसा जहाँ पे n बराबर विषम संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या, विषम पूर्णांक लिखा गया है। तो ये समझाना भैया कि एक संख्या है n के घाते 2 माइनस वन और ये 8 से विभाज्य है, जहाँ पे n क्या है आपका विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक लेते हुए ये बताना है कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, n बराबर 1 पर 2 एक की घाते 2 माइनस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। n बराबर 3 पर 2 पर नहीं लेंगे, 3 के घाते 2 माइनस 1, 3 तरीका 9, 9 माइनस 1 बराबर क्या होगा 8, कट जाएगा। n बराबर 5 पर 5 की घाते 2 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 5 पचम 25, 25 हाँ यार 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर 24 हो गया। n बराबर 7 पर 7 की घाते 2 माइनस 1 सत 49 माइनस 1 बराबर 48। n बराबर 9 पर 9 की घाते 2 माइनस 1 9 नवा 81 माइनस 1 बराबर 80। और फिर डॉट 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 कहाँ लगाते हैं, ख़त्म। अतः या फिर जो कि 8 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य विभाज्य है, जबकि n विषम पूर्णांक है, n विषम पूर्णांक है, m अगर n अगर विषम पूर्णांक है तो ये विभाज्य होगा, क्योंकि हर गिनती 8 एक कम 8 होता है, 8 एक 24 और ये 48 है, तो 8 एक 8 छंग 48 होता है ना, 8 दाम 80 होता है, तो सभी गिनतियाँ कट रही हैं, ठीक है, इस वजह से कटेगी। ओके, तो ये हो गया, ख़त्म तो हो गया ना यार, बस इसमें यही लिख देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किससे कट जाएंगी, मान लीजिए एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, कहा जाता है कि n स्क्वायर माइनस वन किससे विभाजित होगी जबकि n एक विषम पूर्णांक है, और चार विकल्प दे दिए जाएँ, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, 8 से विभाजित
आपसे पूछ लिया जाए किससे विभाजित है, तो कैसे करेंगे? तो बस यही करेंगे कि ये जो विषम पूर्णांक आपने कहा गया है n बराबर 1, 3 और 5 ऐसे रख करके 3-4 मान उसके जो उत्तर हैं वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वो इनमें से किससे कट जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ी गिनती से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर बड़ी संख्या ही पूछी जाती है या कभी कभी छोटी संख्या भी पूछी जाती है, तो जो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से उत्तर देना होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न बन सकता है इससे, पर कभी कभी बनता है। देखिए ये सारे जो ज्ञान हैं आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है कि संख्या पद्धति वाले ये जो प्रश्न हैं, वास्तविक संख्या वाले जो प्रश्न हैं आपके काम आए, ये यहाँ पे काम नहीं आते हैं। लेकिन 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 ये आपकी मदद ज़रूर करते हैं प्रश्नों को हल करने में। आगे चल के जो भी चैप्टर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं और भी आगे जब आप और क्लासेस में जाते हैं, तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, तब तक आप बड़े असमंजस में रहते हैं कि ये अचानक से हो क्या जा रहा है। क्योंकि बड़ी क्लासेस में जाने के बाद टीचर्स क्या है कि ये मानते हैं कि आपको इतना तो आता ही होगा कि भैया जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही है, ये थोड़े बहुत जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं बॉड मास का हो गया और अपना वर्गमूल निकालना है, वर्ग करना, घनमूल निकालना है, घन करना, और क्या हो जाता है प्रतिशत निकालना और औसत निकालना, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपको आता है ऐसा मान के वो चलते हैं और इसके आधार पर फिर पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपको समझने में दुविधा हो सकती है अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, पहले की पढ़ाई नहीं की है। तो कई बच्चों का अभी भी दिक्कत रहती है कि जब 3 की घाते 2 रहती है और 3 तो ये 3 की घातें जब 2 रहती है तो आमतौर पर 3 × 2 करके 6 बता देते हैं, पर ऐसा तो गलत है ना। 3 की घातें 2 का मतलब होता है 3 × 3 और बराबर होता है 9। अगर ये चीज़ ही आपको नहीं एकदम क्लियर हुई है, देखो आपको पता तो सब है, पता तो सब रहता है, लेकिन इमीडिएट आंसर देना, जैसे आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होगा, आप तुरंत इतना पूरा विचार करके आंसर बता सको, ये चाहिए होता है ना। अगर ये तुरंत नहीं कर पाते हो, इसकी वजह से आप सोच नहीं पाते हो सवालों में कैसा आगे चलना है, और जब सोच नहीं पाते हो तो उत्तर तो आने में देर होता है, और उसके बाद उतना पेशेंस आप में थोड़ी ना है कि आप उसको बैठे रहोगे लगाने के लिए। तो पेशेंस तभी आता है जब आप छोटे सवालों पर ज़्यादा मेहनत किए होते हो। तो मेहनत छोटे सवालों पे करने से क्या होता है कि आपको कंसंट्रेशन भी बना रहता है, आप बड़े सवालों पे फोकस कर पाते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होती हैं, जिसकी वजह से समस्या नहीं आ पाती है। चलो ठीक है, बहुत सारा ज्ञान बघार लिया हमने, इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए, आमतौर पे नहीं देता हूँ। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखा, प्रश्न में कहा गया बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि ये जो गिनती दिखाई दे रही है 987। क्वेश्चन नंबर हम 24 पहले लिखेंगे, ये हमने 24 लिख लिया, और प्रश्न में जो दिया गया है 987/105,000 यानी 10,500 लिख लिया। भाग किए, भाग बिना भाग किए मतलब भाग नहीं देना है, ज्ञात कीजिए कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, अपने उत्तर का कारण दीजिए। मतलब क्या है भाग दिए बिना पहले तो ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे भाई? यार देखो सबसे पहले तो यही समझना होता है कि इसका हम गुणनखंड करें कि पहले काट लें। मेरे ख्याल से हमको गुणनखंड कर लेना चाहिए, हर का पहले गुणनखंड कर लेना चाहिए। 105 दिखाई दे रहा है, 00 दिखाई दे रहा है, 5 से काटेंगे कि 2 से काट लें? 5 से काट लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा शुरू में। 5 × 10 5 × 5 00, अब 5 से काटेगा काट तो जाएगा ही, 5 × 20 5 × 10 0, फिर 5 से काट लेते हैं 5 × 8 = 40 और 5 × 20 अब नहीं कटेगा, अब कटेगा 2 से, 4 से मत काटना 2 से काटना, 2 × 8 2 × 2 = 4 दो से काटेंगे, 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2 3 से काट लेते हैं, 3 × 21 7 से काट लेते हैं, 7 × 1 = 7 इतना मिल गया। और देखो नीचे वाला जो कुछ है वो लिख लेते हैं,
दो गुड़ते दो गुड़ते तीन, अब 3 × 5 लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे और 3 × 1 लिख लेते हैं और 5 × 5 × 5 × 7 ये सब कुछ लिख लेते हैं। ऊपर वाली गिनती का हम गुणनखंड कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। 9 × 8 = 7 दिखाई दे रहा है, किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा भैया, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 2 = 8 होता है, 2 बच रहा है, 2 और 7 कितना हो जाएगा 27, 3 × 9 = 27 होता है। उसके बाद अब ये तो 3 से नहीं कटने वाला, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 × 2 फिर हो गया 5, फिर 6 7, 7 से 6 कर ले क्योंकि ये 7 से कटा है, वो भी 7 से कटने की संभावना होनी चाहिए, तो 7 से काट लेते हैं एक बार। 7 × 2 = 28 होता है, 7 × 2 = 28, 2 × 3 = 32 यानी कि 4 बच रहा है और 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। अब ये जो 47 दिखाई दे रही है, ठीक है, वो किसी से नहीं कटता है, इतना मिल जाएगा तो हमको ऊपर मिल गया 3 × 7 × 47, ये 7 को ऐसे निपटा दो, इस 3 को ऐसे निपटा दो, ऊपर आपको 47 मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा 2 की घाते 2 और 5 की घाते 3। अब बताना है कि क्या इसका शांत दशमलव प्रसार होगा कि नहीं, बस ये बताना था ना, ज्ञात कीजिए इसका शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार। तो इसका शांत दशमलव प्रसार होगा, कैसा प्रसार होगा? इसका होगा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि क्योंकि जो हर है, हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m × 5 की घाते n के रूप में है। ओके, हो गया बात खत्म। अच्छा, इसका क्या करें सर? इसको एग्ज़ाम में या फिर कभी भी जब भी आप लिख रहे हैं तो इसको कहाँ लिखना चाहिए? तो बच्चों, इसको लेफ्ट साइड में आप किनारे से लिखते हो, ये वाला हिस्सा राइट साइड में कर लेना, काफ़ी जगह बची रहती है, कोनो भी कापी उठा लोगे तो सभी में जगह बची रहती है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। चाहो तो रफ़ में भी डाल सकते हो, बट इसमें यहाँ डालना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, तो सवाल के साथ में ही डाल देना चाहते हैं चाहिए, क्योंकि राइट साइड में काफ़ी जगह बची रहती है। यह हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि विद्यालय में कक्षा 10 के 2 अनुभाग A और B हैं, अनुभाग ए में 32 विद्यार्थी, अनुभाग बी में 36 विद्यार्थी हैं, पुस्तकालय में कक्षा के पुस्तकालय में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि वह अनुभाग के ए और बी विद्यार्थियों में बराबर बांटी जा सके। क्या मतलब है यार? कोई मतलब नहीं है, किताब बांटना है। ए टू क्लास है एक्स, एक्स जहाँ लिखा है उसका मतलब होता है 10, ठीक है, रोमन में लिखा है, उसके 2 अनुभाग हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में कई लड़कियाँ हैं, 32 लड़कियाँ, सेक्शन बी में कितना लड़कियाँ, 36 लड़कियाँ, और बारिश होने लगी। अच्छा, मुझे निपटा कर जल्दी से ख़त्म करना होगा। अनुभाग में आपको क्या करना है, बराबर पुस्तकों को रखना है, पुस्तकों को रखने के भैया एक मतलब होता है सिंपल सा लासा ले लो, कितनी पुस्तकें चाहिए, ठीक है, पुस्तकों को बांटना है तो LCM ले लो, बात ख़त्म करो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो 32 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 हो गया, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 32 हो गया। 36 के बाद का बात कर लेते हैं, 36 × 9 = 36 होता है, तो 2 × 4 × 3 = 9, 3 × 9 × 18 × 36 हो गया। अब हमको इसका लासा ले लेना है, बस क्या ले लेना है, लघुत्तम समापवर्तक ले लेना है बस। यहाँ पे देखो 2 की घाते 5 रखेंगे, यहाँ पे देखो 2 की घाते 2 × 3 की घाते 2 रखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। लासा लेते हो ध्यान देना है कि बड़ी घातों को लेना होता है, 2 की घाते 2 2 की घाते 5 में 2 की घाते 5 वाली बड़ी घात ले लेंगे, 3 की घाते 2 और 3 की घाते कुछ नहीं में 3 की घाते 2 ले लेंगे, बड़ी वाली घात है। और यहाँ पे जो गुणन
करेंगे, गुणा करेंगे तो ये भैया देखो इससे 32 से मिला था तो यहाँ पे 32 ही होगा। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 9, और 9 × 2 = 18 हो रहा है, ऐसे लगे 9 × 3 = 27 = 28। तो 288 पुस्तकों की आवश्यकता होगी ताकि बच्चों में बराबर रूप से बांटी जा सके। ठीक, सिंपल सी बात है, बस अपना ये लासा ले लेना होगा। और बारिश रुक गई, अच्छा ठीक है। तो मौसम बहुत ख़राब बना हुआ है, कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि बारिश होने की बहुत ख़तरनाक संभावना है, पर बारिश हो नहीं रही है। हाँ, मक्खियाँ ज़रूर लगती रहती हैं मुझे कभी कभी, जब मैं ऐसे सर झटकूँ तो ये मैं समझी कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। बस इतनी सी बात है कि मक्खियाँ हैं, मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन एक लंबा क्वेश्चन है और हम लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आ चुके हैं, जहाँ पे अब लंबे प्रश्न होने वाले हैं और इन प्रश्नों को ख़त्म करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना होगा। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बन जाना चाहिए। कौन सा लाइक होता है? ऐसे वाला लाइक। अभी दबा दो भाई लाइक का बटन अगर नहीं दबाया है, और वीडियो को अगर देख रहे हो तो। चलो 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत महंगी सवाल मिलने वाली है। दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घाते तीन घन के रूप में, घन का रूप 4m + 3 के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, किस रूप में व्यक्त करना है, 4m + 1 या फिर 4m गंदा लिखा गया, 4m + 3। तो यहाँ पे यही आपको बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इसी रूप में होता है। तो आइए देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a = bq + r, जहाँ पे r की जो वैल्यू होती है वो > or = 0 होती है, एंड < b होती है। b बराबर यहाँ वाला जो b है वो देखो यहाँ पे 4 4 4 दिखाई दे रहा है, वही 4 रखने पर ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 4q + r, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होती है > or = 0 एंड < by 4, 4 से छोटी हो जाएगी। यहाँ पे r का मान हो जाएगा 0, 1, 2 और 3, ये 3 गिनती आएंगी, 4 नहीं रख सकते, 4 से छोटी रखनी होती है। अब पहले गिनती देखें, तब हमारे पास a बराबर हो जाएगा 4q 0 रखने पर 4q + 1 और 4q + 2 4q + 3, ऐसी गिनतियाँ होती हैं, यहीं से मिल गई। अब हमको इसके घन के बारे में बात करनी है, ठीक है, किसके बारे में बात करनी है, घन के बारे में बात करनी है। तो इसका घन 4q का घन अगर हम देखेंगे तो 4q/3 हो जाएगा, तो 4 × 16 = 64 हो जाएगा, 4 × 16 = 64। यहाँ पे देखो भाई क्या करना है, क्या यहाँ से 4 अलग कर सकते हो, 16 × 64 होता है, तो 4 × 16 q³ हो जाएगा। और इसी चीज़ को, इसी मैंने कुछ ज़्यादा ही दूर लिख दिया है, अभी मुझे जगह बचानी होगी। तो 4 × 16 लिख सकते हैं, 16 × 64 होता है, q³ लिख सकते हैं, तो 4 × हो जाएगा, इस पूरे बटे वैरायटी को मान लेते हैं m, तो हम यहाँ पे 4m के रूप में इसको देख पा रहे हैं, 4m के रूप में देख पा रहे हैं, जहाँ m बराबर क्या है, 16q³ है। ठीक है, हो गया, इस चीज़ को आपने समझ लिया। एक हिस्से का घन तो आपको मिल चुका है 4m के इस रूप में,
4m के रूप में मिल चुका है। दूसरी संख्या का घन करेंगे 4q+1 का घन। अब ये तो लफड़ा वाली बात हो जाएगी। आपको फार्मूला याद है कि नहीं? कुछ ज़्यादा ही गंदे राटे में लिखा है हमने। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि फार्मूला कहाँ याद दिलाऊँ, कि a+b3 बराबर होता है a³+b³+3ab। कोष्टक में a-a+b होता है लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। यूज़ करना चाहता हूँ 3a²b, या फिर वही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 3ab कोष्टक में a+b कर लेते हैं इसी का प्रयोग। तो 4q3+1³+3 × 4, मेरे ख्याल से गुणा करना पड़ेगा यार, नहीं करना पड़ेगा। 4 क्यू हो जाएगा गुणते 1, और कोष्टक में हो जाएगा 4q+1। यहाँ पे 4 × 16 = 64, q³+1+4 = 12, 12 क्यू कोष्टक में 4q+1। अब देखेंगे, देखना यह है कि इन दोनों हिस्सों में से हम 4 कॉमन लेने वाले हैं और इस प्लस 1 को पीछे लिखने वाले हैं। तो इन दोनों में से जब 4 कॉमन लेंगे तो आपको 16 × 64, यहाँ पे 16q³ मिलेगा, और प्लस यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 क्यू, और कोष्टक में 4q+1 मिलेगा। और इस कोष्टक को बंद कर देते हैं और इस प्लस 1 को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरी वैरायटी बीच में दिखाई दे रही है उसको हम मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे 4m और प्लस 1, ये पीछे वाला प्लस 1 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे, जहाँ m बराबर ये पूरी वैरायटी है, वैरायटी का है मैं कहता हूँ, पूरी चीज़ें हैं, तो हमने लिख लिया। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हमें प्रूव करने के लिए कोशिश ट्राई बार बार करते रहना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें निकालनी होती हैं जिससे कि कुछ काम बन जाए। क्या काम बन जाए? जैसे ये दिखाई दे रहा है, जैसा हमको चाहिए होता है उसी के जैसे गिनतियाँ मिल जाएँ। तो ये दोनों चीज़ें ट्राई करनी है, उसके बाद आपको इसके साथ भी ट्राई करनी है और इसके साथ भी ट्राई करनी है, ठीक। तो उन दोनों को भी किया जाए, कर लिया जाए, या फिर आप करोगे, कर लेना यार, छोड़ो, जाने दो, क्या ही बताएंगे। जिनको भी ये सवालें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा समय देते रहेंगे अपने आप को, इस पर हल करते रहेंगे और आने लगेगी। कुछ समय देने की ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ को लॉजिकली समझना होता है कि इसमें ये क्या है कहना चाहता है, और उसके बाद तर्क बिठाना पड़ता है। मैं सोचता था कि सामान्य गणितीय विधियों से, सिद्धांतों से ये समझ में आ जाएगा, पर सामान्य रूप से नहीं, इसका अपना ही अलग सिद्धांत है, तो ये जैसा कहता है वैसा ही फॉलो करना चाहिए, उसी तरीके से ये सिद्ध हो पाती हैं। क्योंकि ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में मुश्किल ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि समझा पाना उतना आसान नहीं होता है जितना बाकी सारी चीज़ें। आप एक बार को त्रिभुज समझा सकते हो, पर इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये मुश्किल हो जाता है समझा पाना। इस वजह से आमतौर पे स्कूल में जो पहला चैप्टर होता है किसी भी एक्सरसाइज, मतलब किसी भी क्लास का, 9, 10, 11, 12, आप कहीं कभी ले लीजिए, पहला चैप्टर को आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि वही इसका बेसिक सिद्धांत होता है समझाने वाला, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको करना क्या है कि इसका घन करना है, यही फार्मूला लगाना है, विस्तार होगा। अगर उसमें से 4 सभी में से कॉमन हो पाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्लस 1 या प्लस 3 अभी तैयार हैं, वो भी कर सकते हो। कॉमन लेकर के बाहर निकालने की स्थितियाँ होती हैं, ऐसे ही इसके साथ भी कर लेंगे। तो जब सभी को हल करेंगे लास्ट में, जब हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस रूप में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में आपको यहाँ पर 4m के रूप में दिखाई दे रहा है, तो आखिर में कहेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूपों में होता है या फिर हो सकता है, ऐसा लिख देंगे लास्ट की स्टेटमेंट। बस दो लाइनें होंगी, जैसे मैंने बोला वैसा ही लिख देना होता है। तो आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। इस प्रश्न को यहीं पे छोड़ते हैं।
क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है इसको लिखने का, बोर हो जाता है यार लिखते लिखते, थक जाते हैं, समझ में आता क्या यार क्या ही मज़ा मिलता है इसको करने का, क्यों इसको लेकर के करते बैठे रहते हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तब पर भी अच्छी बात है, छोड़ देना यार, छोड़ना सीखो ज़िंदगी में, जो चीज़ें तुम्हें जो चीज़ें तुमसे हैंडल ना हो पाए उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो हो गया ये। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है, बाकी है कुछ नहीं, रद्दी से क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है संख्याएं 525। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन है, संख्याएं 525 दी गई हैं और 3000 के केवल दोनों केवल किससे विभाज्य हैं, 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो इन दोनों का मासा क्या है, सत्यापित कीजिए। अब लो, मासा क्या है, कैसे सत्यापित करेंगे, माइंड पहले हम मासा निकाल लेंगे, 525 और 3000 का मासा निकालने के लिए हमें पहले इनका गुणनखंड करना होगा। 525 को पकड़ा, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 पचम 25, बहुत से बच्चे इसे 15 लिख देते हैं, क्या करते हैं वो 15 लिख देते हैं, उसके बाद कहते हैं सर मेरा सही था, पर बच्चे देखो 5 से देखेंगे 5 एकम 5 कट गया, 2 उतार लिया, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम 0 बढ़ाते हैं और 5 को उतारते हैं और 5 पचम 25 करते हैं, कितना मिल जाता है, ख़त्म। तो यहाँ पे बीच में लड्डू जो भरा जाता है वो आपने नहीं भरा है। फिर 5 से काटो, 5 दुनिया 5 एकम 5, 3 से काटो, 3 से देखिए 7 से काटो 1, इतना मिल गया। 3000 की बात कर लेते हैं, 2 से काटें यार पहले 3 से काटो, तो 3 एकम 3 1000 हो जाएगा, 2 से काटो 500 हो जाएगा, 2 से काटो 250 हो जाएगा, 2 से काटो 125 हो जाएगा, रट गया है यार ये तो, 5 से काटोगे 25 मिल जाएगा, 5 से काटोगे 5 मिल जाएगा, 5 से काट दोगे फिर 1 मिल जाएगा, रट डाला है हमने, तुम भी रट डालो इसे कर कर के, एकदम ख़त्म कर डालो, कुछ बचा नहीं है इसमें। इसकी बात कर लेते हैं, पहले 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, लाइन से लिखना हमारी आदत है, इसमें भी लाइन से लिखना भैया, 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2, 3 बार था ना, और फिर 3 लिख लो और फिर 5 को लिख डालो, 5 को लिख डालो, अच्छा इसको घात के रूप में लिख देते हैं क्या, 3 गुड़ते 5 की घाते 2 गुड़ते 7, अरे यहाँ पे 2 की घाते 3 गुड़ते 3 गुड़ते 5 की घाते 3, इतने होंगे बातें। अब हमको यहाँ पे लिख लेना है इनका मासा, इनका मासा लिख लेना है, मासा लिख लेना है। मासा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी घाते लेते हैं, 3 की घाते 1 है, 3 की घाते 1 है, लिख लेते हैं 3 की घाते 1, ठीक है, और 5 की घाते 2 है, 5 की घाते यहाँ पे 3 है, छोटी वाली घात 2 है, तो 5 की घाते 2 लिख लेते हैं। 7 की घाते 1 है, यहाँ पे 7 मिल नहीं रहा, 2 की घाते यहाँ पे 3 है, ऊपर वाले में 2 मिल नहीं रहा है, तो नहीं लिखेंगे। 5 पचम 25 3 75, 5 की घाते 2, 5 पचम 25 25 3 75 हो जाएगा, तो आपका मासा क्या मिल गया, 75 मिल गया। जब 75 मिल गया है तो इसे सत्यापित कैसे करें, बड़ा लफड़ा वाली बात ये कहते हैं, एकदम छोटे बच्चों वाली हरकतें रहती हैं। यहाँ पे मासा तो मिल गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे किए हैं ये लोग, का ही रखा है इसमें, कुछ नहीं है, सब मजाक है, सत्यापित करने वाला काम। 75 मिल गया भैया, बस यही अपना मासा हो जाएगा, ख़त्म रखो, कौन सा सत्यापित करना है इसमें, ज़्यादा सत्यापित करने में है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा मासा निकाल लो, वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे ख़त्म रखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन में, बस यही है, मासा निकालना था, सत्यापित क्या करना था कि मासा 75 ही होगा, या फिर बस वही सत्यापित करना था।
इन सभी से कट जाता है तो सबसे बड़ी गिनती जो दिखाई दे रही है जिससे ये दोनों कट जाते हैं वही मांसा होती है, तो मांसा 75 ही मिला है। अब यही सत्यापन में ज़्यादा से ज़्यादा मन कहे तो लिख देना। आप ही चलते हैं आगे प्रश्नों में। खेला बहुत बड़ा खेला खेला गया है। प्रश्न संख्या 28, एक आसान सा प्रश्न कह रहे हैं, उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका जिससे 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। ध्यान देना, प्रश्न को उतार लेना है। प्रश्न के उतारने के बाद आपको सभी गिनतियों कैसे लिख लेना है, लिखने के बाद इसके नीचे जो शेषफल है वो लिख लेना है और माइनस का चिन्ह लगा देना है और घटा भी देना है। ऐसा नहीं कि उसको सोचते बैठे रहना, 8 में 7 गेंद 1, 9 और 3, 6 में से 5, 2 और 4 हासिल लो भैया, 12, 12 में से 5 गेंद 7, यहाँ पर 3, 3 में से 2 1 गया 2 और ये 5, इतना जो कुछ मिला वो लिख लेना है। लिखने के बाद इनका मांसा निकालना है, ठीक है। अब 391, 425, 527 का मांसा, यही हमको ज्ञात करना है। मांसा हमको ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, कैसे 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 करते हैं, गुणनखंड द्वारा किया जाए। 391 कितना से कटेगा यार, 391 कितना कट ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि किससे काटा जाए, और काटा नहीं जाएगा तो मांसा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो जब मांसा नहीं मिलेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो चलो कैसे काटा जाए कि भाग भेद लगा दिया जाए, लफड़ा बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं, एक से नहीं मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से काट के देख लेते हैं, 7, 5, 35 बचेगा 4 और नहीं कटेगा 7 से, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13 से कटेगा, 13, 3, 39 नहीं, 13, 14, 15, 16, 14, 15 से नहीं काटेंगे, 16 से भी नहीं काटेंगे, 17 से देख लेते हैं डायरेक्ट, 17 से भाग कर लेते हैं, 17, 2, 34 का 4, 5 बजे का 17 से 51 सही तो है, कट तो रहा है, 17, 2, 34 होता है, 5 बज गया 1, 17, 3, 51 हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई बातें, 23 बचा है, 23 के गुणनखंड होगा नहीं, तो 17 गुणते 23 यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये 425 वाला देख लेते हैं, 425 वाला देख लेते हैं किससे कटेगा, 425 वाला 5 से काटेंगे, 5, 8, 40, 5, 5, 25, 17, 5, 85 होता है ना, 17 मिल जाएगा और 17 से काटने पर 1 मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, 5 की घाते 2 गुणते 17 मिल रहा है और मुझे मांसा यहीं से दिखाई दे रहा है कि 17 मिल रहा है, 17 हमारा उत्तर होने वाला है, लेकिन फिलहाल 527 को कर लेते हैं। किससे कटेगा ये यार, 3 से तो कटने वाला नहीं, 2 से मैंने 4, 5, 6, 7 से, 749 बचेगा 3, 37 नहीं होगा, 8, 9, 10 खाली डायरेक्ट 17 से करते हैं, क्या ही लिए मजाक कर रहे हैं, सब 17 से कट रहे थे, ये भी 17 से कटना चाहिए, तो 17, 2, 14, 17, 3, 51 हाँ भैया, 17, 3, 51 17, 1, 17 हो जा रहा है और 31 की तो नहीं करता है, 31 भी अभाज्य है, तो हमको 17 गुणते 31 मिल गया है, तो हमारा जो मांसा हो जाएगा वो देखो भाई, 17, 17, 17 समय मिल रहा है, 17 हमारा मांसा हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना था प्रश्न में, हमको एक संख्या निकालनी थी, एक ऐसी संख्या जो इन सबको भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचाए, तो वह बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग देने पर इतना सब कुछ जो मिल रहा है।
वह बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिससे इसमें इसमें और इसमें भाग देने पर क्रमशः ये 7 11 और 15 शेषफल बचे। ऐसी स्थिति में घटाना कर लिया उनके संगत शेषफलों में से और जो संख्याएं मिली उनका मासा निकाल लिया। मासा निकालने के बाद जो संख्या ये मासा के रूप में मिलती है वही हमारी संख्या हो जाएगी, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अभीष्ट संख्या या फिर पूर्णांक, जो हमें चाहिए था वो है 17। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो आप भाग करके देख भी सकते हैं, 17 से आप इसको भाग करेंगे 7 से शेषफल मिलेगा, ये 11 देगा और उसके उससे तो 15 मिलेगा। ठीक है, यही तरीका होता है इसको करने का। ये प्रश्न हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन एक मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होगा और दिमाग तो अपने पास है नहीं। दिमाग से पैदल और क्या होता है, टोपा हो का, टोपा वाला वीडियो वही वाला चलने वाला है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है जहाँ पे पी और क्यू अभाज्य हैं। अब इसको सिद्ध करना है। अब यार यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रहा है खेला, कैसा सिद्ध करोगे। हाँ ठीक है, कैसे सिद्ध करोगे इसको बताओ, कुछ उल जलूल करना पड़ेगा तभी होगा। चलो अपरमेय सिद्ध करने के लिए इसको बांध लेते हैं, ये परमेय है। माना कि ये जितना दिया गया है एक परमेय संख्या है, ऐसा मान लिया। संख्या मानने के बाद ही ये ऐसे जो दिखाई दे रही हैं ये मान लेते हैं किसी परिमेय संख्या a के बराबर होगा। हालांकि p बड़े q के रूप में मानते हैं लेकिन p q तो यहीं पर भरा हुआ है तो a के रूप में ही मान लेते हैं, इतने से काम हो जाएगा। और लिख देंगे जहां a परिमेय है, जहां a परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय है। अब यहां से क्या करते हैं कि p को यहीं रहने देते हैं, q को उधर भेज देते हैं। सॉरी, पहले a लिखेंगे फिर माइनस अंडर रूट क्यू लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ तो p मिल जाएगा, यहाँ पे a माइनस अंडर रूट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस इसका जब वर्क करें प्लस इसका जब वर्क करेंगे तो क्यू अकेले मिल जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, माइनस टू इंटू ए अंडर रूट क्यू ऐसा मिलेगा, ये पी के बराबर मिलेगा। इस पार्ट को इधर भेज देते हैं, पी को उधर भेज देते हैं, तो टू ए अंडर रूट क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी, और इस टू ए को नीचे भेज देंगे तो अंडर रूट क्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी बटा टू ए। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि दायां पक्ष तो अपना पूर्णांक परिमेय होना चाहिए हो जाता है, जो कि दायां पक्ष को परिमेय होने का विरोध करता है। अब देखिए यहाँ पे इधर वाला परिमेय चाहता है क्योंकि सभी तो बटे में दिखाई दे रहे हैं, अंडर रूट दिखाई नहीं दे रहा है तो परिमेय चाहता है, लेकिन ये इसके बराबर है तो अपरिमेय होगा। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे जो कि दाएं पक्ष के परिमेय होने का विरोध करता है क्योंकि अंडर रूट क्यों अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। और जबकि अकेले लिखना चाहिए, जबकि P तथा Q अभाज्य हैं, क्या है भैया, अभाज्य हैं, इसलिए ये अंडर रूट P प्लस अंडर रूट Q क्या होगा, अपरिमेय है, अपरिमेय है, ऐसे में आंसर हो जाएगा। बस इतना सा लिखना आपका आंसर हो जाएगा।
अपरमेय है, यही लिखना आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए बात को मैं समझा देना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे लास्ट में हमने क्या लिखा है कि जब इतना मिल गया तो ये वाला तो अंडर रूट में दिखाई दे रहा है, इसका अंडर रूट हटने से रहा, इधर वाला पार्ट जो भी है वो परमेय कहता है अपने आप को, लेकिन वो क्यू के स्क्वायर के अंडर रूट क्यू के बराबर है जो कि एक अपरमेय संख्या है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे वही लिखा गया जो जो कि दाएं पक्ष के परमेय होने का विरोध करता है, क्योंकि अंडर रूट क्यू जो दिखाई दे रहा है अपरमेय संख्या है, जबकि पी और क्यू अभाज्य हैं, यानी उनका कोई भी गुणनखंड यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और एक पार्ट अगर आपको मिल जाए कि वो अपरमेय है तो दूसरा वाला पार्ट उसमें चाहे जो जुड़ा हो, चाहे वो परमेय हो या अपरमेय हो, योगफल के बाद वो अपरमेय ही हो जाता है, इसलिए लास्ट में लिख लिया। इसलिए जब आपको पता चल गया कि क्यू अपरमेय है और पी और क्यू अभाज्य हैं, तो इनका तो अपरमेय हो जाना ही सही है, योगफल अपरमेय हो ही जाएगा। क्या बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3 दिया गया है प्लस अंडर रूट 2 दिया गया है। अगर आप सिद्ध करते हो, बता देते हो कि अंडर रूट 3 अपरमेय है, तो उसके साथ जो जुड़ करके मिला है वो अपरमेय होगा। फिर चाहे वहाँ पे अंडर रूट रहे ही ना, तब पर भी, दो अकेले लिखा है तब पर भी अपरमेय होगा, ठीक है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी जोड़ घटाना गुणा और भाग, इस प्लस वाले चिन्ह के स्थान पर कुछ भी हो जाए, अगर किसी भी अपरमेय के साथ में कोई परमेय जोड़ घटाना गुणा भाग करता भी है या कोई अपरमेय ही कर लेता है, तब भी वो अपरमेय रहेगा। लेकिन कभी कभी अपरमेय से परमेय बनने की संभावना होती है, लेकिन इस स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आखिरी प्रश्न आज के इस वीडियो का रहने वाला है, जहाँ पर हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए समझा पाना, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। ओह, दर्शाइए कि किसी धनात्मक संख्या का पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यों के लिए 5q+2 5q+3 के रूप में नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा लफड़ा वाला सवाल है। चलो मैं समझाता हूँ और अब आप लोग करके दिखाना। दिखाइए कि किसी भी संख्या का वर्ग 5q+2 5q+3 के रूप में नहीं हो सकता है। मैं पहले शुरू करते हैं भाई कि यहाँ पे 30 लिखते हैं नंबर और लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का से क्या होगा, विभाजन प्रमेय का से आपका a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल अब r ज़ीरो हो जाएगा और लेस देन b हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं b बराबर ये जो 5 दिखाई दे रहा है ना, यही रखने पर a बराबर हो जाएगा 5q+r और r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 से कम हो जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 और 4 ऐसी हो सकती है। अब हम अगर r बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5q अकेले मिलेगा, तो हम 5q अकेले लिखेंगे का वर्ग देखेंगे, तो इसका जब वर्ग देखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 25q² मिल जाएगा, या फिर मैं ऐसा लिख लेना चाहूँगा, ऐसे घाते दो और यहाँ पे 25q². अब यहाँ से अगर हम 5q के रूप में तोड़ना शुरू करें तो यहाँ पे 5 × 5q² देखने को मिलता है, और हम कर लेते हैं 5 × q ही लिख लेते हैं, जैसा कि उन्होंने क्यों यूज़ किया है, तो इसको ना कह करके हम इसको फॉलो करेंगे 5m+2 को और 5m+3 को, इसको फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे क्यों ना रख करके हम m रखेंगे तो हमको 5m दिखाई देगा, और लिखेंगे जहाँ m = 5q² है।
तो ये इस रूप में है, हमें ये देखना है कि वो इस रूप में नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में 5q+2 या 5q+3 के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये उस रूप में नहीं है, यानी हम सही चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। अगला वाला जब आप एक लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 5q+1 का वर्ग, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा 5q+1 घाते 2। अब इसका वर्ग करेंगे 5q² + 1² + 2 × 5 × 5q × 1, तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा, q² + 1 + 5 × 10 q। हम इसमें उसे इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा 5q² और प्लस 5 × 10 = 2q और प्लस 1 दिखाई देगा। और यहाँ पे 5 इस पूरे के जगह पे m मान लेंगे जो प्लस 1 मिल जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पे m बराबर क्या है 5q² + 2q है। तो हमको इस रूप में मिल रहा है, यानी कि इस रूप में नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। आगे हमको 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 3 चीज़ें आपको खुद करनी ऐसे ही करनी है, और हर बार कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाना है कि आपको या तो प्लस 1 या तो प्लस 4 भी मिल सकता है, मे बी पॉसिबल 4 भी मिल सकता है, बट 2 और 3 नहीं मिले, वैसे भी नहीं मिलेगा आमतौर पे आप हल करोगे तो इसे हल करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि 2 और 3 आपको करने के लिए दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ, मैं 4, ये जो प्लस 4 होता है ना, यहाँ पे 4 रख करके वर्क करता हूँ। देखो 4 वाला दिखा देता हूँ, तो 5q + 4 इसके वर्ग हो जाएगा, मुझे मार्कर बदल लेना चाहिए था, तो यहाँ पे 5q² 2 हो जाएगा, प्लस 4² 2 हो जाएगा, प्लस 2 × 5 × 5q × 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 का वर्ग 25, q² यहाँ पे 4 × 16 प्लस यहाँ पे 40 क्यों हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें से 4 कॉमन हो सकते, क्या इस सॉरी 4 नहीं 5 कॉमन हो सकता है, क्या इसमें से, यहाँ पे देखिए 5m+2 चाहिए ना, 5m+2 नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से 5 कॉमन हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, नहीं, ये प्लस 16 बचेगा, नहीं यार, अभी देखो ये 25 हो जाएगा, q² दिखाई दे रहा है, ये 40q² दिखाई दे रहा है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, 15 + 1 15 और 1 16 होता है, अब इन सभी में से 5 कॉमन हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 5q² + 5 × 8 = 48 यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं यार, 8 अकेले क्यों होगा, और यहाँ पे 5 × 15 यहाँ पे 3 मिल जाएगा और प्लस 1, और ऐसे में ये 5 ये पूरा m प्लस 1 और m बराबर हम लिख लेंगे 5q² + 8q + 3। बीच वाला जब आपने 2 और 3 रखा था तो क्या मिला था वो कमेंट करके बता देना कि m 5m+1 मिला था, 5m+2, 5m+3, 2 और 3 तो नहीं मिलेगा, किसी भी सूरत में नहीं मिलना चाहिए, और मिलेगा भी नहीं तो हमको लास्ट में लिख देना होगा। अतः किसी भी किसका वर्ग यार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में नहीं हो सकता है, तो ऐसा बस लास्ट में लिख देना है और हो जाएगा काम ख़त्म। ओके, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस प्रश्न में, जहाँ पे हमने इतनी लंबी वाली सवाल को हमने हल्का सा हल करवा के छोड़ दिया है, आप कर पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।